रेडियो हिंदुस्तान के श्रोताओं को स्वयं प्रभा का नमस्कार। श्रोताओं, 3R साइंस का एब्रिविएशन है, RRR यानी रिड्यूस रीयूज रिसाइकल, प्रकृति को बचाने का एक तरीका। मगर आजकल सबकी जुबान और मन पर एक अलग ही आर का वार हो रहा, राइज रोर रिवोल्ट यानी RRR। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ हाल ही में रिलीज हुई और सिनेमाघरों में धमाल मचा रही फिल्म RRR की। दोस्तों, ये फिल्म ब्रिटिश राज के समय दो अलग अलग हिस्सों में पैदा हुए दो देशभक्तों की कहानियाँ हैं। अल्लूरी सीताराम राजू का जन्म 1897 में विशाखापट्टनम में हुआ था, तो कोमाराम भीम 1900 ईस्वी में आदिलाबाद के सांकेपल्ली में जन्मे थे। सीताराम ने अंग्रेजों के अत्याचारों का दुष्परिणाम झेलते अपने कुनबे को देखा था और बचपन से ही उसका मन आक्रोशित था। बड़े होने पर अल्लूरी सीताराम राजू ने अंग्रेजों का डटकर सामना किया और सन 1922 से लेकर 1924 तक चले रामपा विद्रोह का नेतृत्व किया। उन्होंने अंग्रेजों की नाक में दम कर रखा था। परेशान अंग्रेजों ने पकड़े जाने पर उन्हें एक पेड़ से बांध कर गोलियों से भून डाला था। दूसरी तरफ कोमाराम भीम तेलंगाना क्षेत्र के गोंड आदिवासी कबीले से जुड़े थे। गोंड आदिवासी जंगलों में रहते थे, उनके अपने नियम कानून थे, अपनी सामाजिक और कबीलाई रीति रिवाज और संस्कृति थी। वे वनचर यानी जंगल के बाशिंदे थे, उनका जीवन यापन जंगल पर निर्भर था। ब्रिटिश राज के दौरान कुछ वन अधिकारियों ने गोंड आदिवासियों के वन आधारित जीवन यापन के तरीकों पर आपत्ति जताई तो गोंड आदिवासियों में रोष और आक्रोश बढ़ गया। नतीजतन ब्रिटिश अफसरों की क्रूरता गोंड आदिवासियों के प्रति बढ़ गई, यहाँ तक कि कई आदिवासियों के हाथों की उंगलियां काट डाली गईं। तब कोमाराम भीम अपने कबीले अपने जंगल के हक और अधिकारों की रक्षा के लिए उठ खड़े हुए। 1928 से लेकर 1940 तक अंग्रेजों के खिलाफ बनाई अपनी गोरिल्ला आर्मी के साथ वो लड़ते रहे। अपने गोरिल्ला युद्ध कौशल की वजह से वो तेलंगाना क्षेत्र के बहादुर नेता के रूप में खासे लोकप्रिय हुए। सन 1940 में कुछ मुखबिरों ने पुलिस को उनके गुप्त ठिकाने की सूचना दे दी और ब्रिटिश पुलिस ने उन्हें गोलियों से भून डाला था। दोस्तों, ये दो अलग अलग कहानियाँ हैं, धरती के दो अलग अलग हिस्सों में दो माटी के लाल, दोनों ने अपनी मिट्टी अपने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी। फिल्म के निर्देशक SS राजामौली ने दोनों क्रांतिकारियों की जिंदगी पर आधारित इस फिल्म को थोड़ा सा काल्पनिकता का पुट देकर ये दिखाने का प्रयास किया है कि उनके जीवन में क्या क्या हुआ था और अगर वे दोनों साथ मिल गए होते तो क्या क्या हुआ होता। फिल्म में VFX तकनीक की मदद से कई दृश्य बड़े ही खूबसूरत फिल्माए गए हैं, कई रोमांचक सीन बेहतरीन बन पड़े हैं। फिल्म का एक गीत कोमाराम भीम के नाम पर ही फिल्माया गया है, जिसे लिखा है सुदाला अशोक तेजा ने और गाया है काल भैरव ने। कोमाराम भी मूडो सूरज के शोलों से मिलना है तुझको, कोमाराम भी मूडो रग रग ज्वाला सा जलना है तुझको। पारंपरिक मजबूरियों जैसे हैप्पी एंडिंग दिखाना, हीरो की प्रेमिका का बच जाना, सारे बारूदी सामानों के जल जाने के बावजूद बंदूकों की बड़ी खेप का बच जाना, हिंदी फिल्म जगत की कुछ ऐसी मजबूरियां हैं जिनकी वजह से इतनी अच्छी फिल्म भी हास्यास्पद बन पड़ी है। लेकिन पूरी फिल्म के संवाद जबरदस्त हैं और पंचलाइन दमदार, लोड एम शूट। दोस्तों, यह पंचलाइन जीवन के कई क्षेत्रों में सटीक और फिट बैठती है, मगर सबसे महत्वपूर्ण है फिल्म का वो संदेश जो इसकी खुशबू, इसकी जान, इसकी आत्मा है। वो है कि छोटी से छोटी जीत भी बड़ी से बड़ी कुर्बानियां मांगती हैं, और अगर बड़ी जीत का ख्वाब देखा हो तो फिर कहना ही क्या। राइज रोर रिवोल्ट RRR रौद्रम रणम रुधिरम। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। देखिए ये फिल्म और सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान।